डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक का में टोटल 6 चैप्टर है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन। अब हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन में जो चैप्टर चल रहे थे, इसमें बहुत सारी चीजों को हम लोग सीखे हैं कि क्या होता है हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसका नाम भी हम लोगों ने सीखा, उसका हैलोजन व्युत्पन्न भी पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा। चलिए उसके आइए आगे चलते हैं, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का काम स्टार्ट करते हैं। तो आज के बाद जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं चलेंगी, उसको सीरियली वाइज नंबरिंग वाइज आप नोट करते चले जाइएगा और आप इन चीजों को याद भी कीजिएगा। लेकिन अब होता क्या है कि किसी के ऊपर अगर प्रेशर नहीं हो तो वो चीजें रियलिटी अंदर से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप अभी फिलहाल ज्यादा से ज्यादा अच्छे राइटिंग में आप इस अभिक्रिया को नोट करने का प्रयास कीजिए, और जब कभी भी हम लोग लॉकडाउन के बाद मिलेंगे तो वहां पे हर एक चैप्टर वाइज आपकी टेस्ट होगी और फिर आप पे प्रेशर बढ़ने वाली है, आप पे प्रेशर बढ़ने वाली है। तो इसलिए दूसरा बात कि सर ऑनलाइन फिर टेस्ट क्यों नहीं ले लेते हैं, तो ऑनलाइन में वो कितना ईमानदारी से फिर लोग करेंगे नहीं, अपने कॉपी से देखकर और फिर बनाकर भेज देंगे, तो वो फिर हम लोग का टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे बढ़िया कि हम लोग हर दिन अगर पढ़ ले तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? रासायनिक का मतलब होता है केमिकल और अभिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन। अगर कोई केमिकल कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके, रिएक्ट का मतलब होता है जुड़ना, घुलना, मिलना, ठीक है। अगर जुड़कर, घुलकर, मिलकर एक अपने से एक अलग तरह का, नए तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया का मतलब समझिए। अब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि सर नमक और बालू को मिला दिया जाए, तो नमक और बालू को मिला देने से कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो लोग दोनों को मिलने से कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें केमिकल आपस में रिएक्ट करे, केमिकल जुड़े और जुड़ने के बाद एक जो प्रोडक्ट बने, प्रतिफल बने, एक अपने से अलग तरीके का कुछ नया प्रोडक्ट बने, उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के बीच में लिखा जाए, फर्स्ट एरो वैसी अभिक्रिया, फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिकों के रासायनिक यौगिकों के घुलने, मिलने या जुड़ने से एक नया और अभिकारक से अलग प्रकार की यौगिक का निर्माण होता है। जिसे प्रतिफल कहा जाता है, और इस पूरे प्रक्रम को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
इस पूरे प्रक्रम को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, तो इन चीजों में हम लोग सीखे कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें रसायन के यौगिक भाग लेते हैं, जुड़ते हैं, मिलते हैं और उससे फिर एक नया और अपने से हटकर अलग तरह का प्रतिफल बनते हैं, अलग तरह का एक नया कंपाउंड बनता है जिसको प्रतिफल कहते हैं। और अभिकारक और प्रतिफल, ये जो पूरा प्रक्रम हुआ ना, इस पूरा को बोल देंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब उसके बाद उसके नीचे जो लिखेगा, लिखेगा ये कि रासायनिक अभिक्रिया जो है उसको हम लोग तीन पार्ट में पढ़ेंगे। कौन कौन सा पार्ट भाई? तो इसका तीन पार्ट है। एक का नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक का नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिर दूसरा का नाम है विलोपन अभिक्रिया और फिर तीसरा का नाम है धातु से अभिक्रिया। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है या फिर इसे कितने प्रकार में बांटा गया है, तो मेनली थ्री टाइप्स में बांटा गया है। पहला कौन सा? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा विलोपन अभिक्रिया, तीसरा धातु से अभिक्रिया। यानी कि टोटल रासायनिक अभिक्रिया हम लोग जो देखेंगे वो तीन पार्ट में कैटेगराइज है, तीन पार्ट में कैटेगराइज है, बांटा हुआ है। एक का नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरे का नाम है विलोपन अभिक्रिया और तीसरे का नाम है धातु से अभिक्रिया। तो अब अगर कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो सभी चीजें हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। मतलब सबसे पहले प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में, फिर सीखेंगे विलोपन अभिक्रिया के बारे में, फिर सीखेंगे धातु से अभिक्रिया के बारे में। तो अब लिखा जाए टॉपिक नेक्स्ट, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको मिटाते हैं, लिखा जाए प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में लिखेंगे सबसे पहला जो अभिक्रिया है वो हाइड्रोक्सिल द्वारा प्रतिस्थापन। देखिए प्रतिस्थापन का मतलब समझिए, प्रतिस्थापन का मतलब ये हुआ कि अदला बदली। जैसे मान लिया कि दो स्टूडेंट्स अपने अलग अलग बेंच पे बैठे हुए हैं, अगर दोनों चाहते हैं कि अपना स्थान अदला बदली कर ले तो उसी को हम लोग बोल देते हैं प्रतिस्थापन। जैसे मान लिया कि ये वाला जो मार्कर है यहां से ये यहां उठकर चला जाए और यहां से ये उठकर यहां चला जाए, तो अपना देख पा रहे होंगे अपना स्थान क्या कर रही है ये लोग दोनों अपना स्थान बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह स्थापित हो रहे हैं आपस में। ठीक है, यानी कि चेंज द पैलेस ईच अदर, यानी कि अपने स्थान को प्रत्येक यानी कि दोनों चेंज कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप्स का देखेंगे। तो पहला देखेंगे हाइड्रोक्सिल द्वारा, हाइड्रोक्सिल द्वारा प्रतिस्थापन। तो पहला, अब देखिए प्रतिस्थापन में भी हम लोग बहुत तरह का रिएक्शन करेंगे, आप देखते चलिए कि कौन कौन सा हम लोग टॉपिक कर रहे हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन के नीचे लिखा जाए हाइड्रोक्सिल द्वारा प्रतिस्थापन। अब हम लोग सब समझेंगे कि हाइड्रोक्सिल क्या होता है, ठीक है, इसका अभिक्रिया जो कराया जाता है वो कैसे कराया जाता है, इसके बीच प्रतिस्थापन कैसे होता है। तो फर्स्ट अणु लेंगे, लिखेंगे फर्स्ट अणु लेकर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया
एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तब तब अल्कोहल का निर्माण होता है, तब अल्कोहल का निर्माण होता है। चलिए तो हाइड्रोक्सिल द्वारा प्रतिस्थापन में हम लोग क्या सीखे, जरा सबसे पहले जो लिखे हैं उसके नीचे एरो देकर उसके नीचे एक रूल भी लिख लीजिए। वो रूल क्या है पता है? वो रूल यही है कि मान लिया कि कोई भी एल्किल हैलाइड है। अब एल्किल हैलाइड किसको कहते हैं? तो R का मतलब अब समझाते हैं, R X, X का तो मतलब आप पहले ही जान चुके हैं कि X क्या है, हेलोजन है। हेलोजन तो वही रहता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन पांचठो है। अगर उसका अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से किया जाए, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, और दोस्तों इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, क्यों? क्योंकि ये OH जुड़ा हुआ है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह। तो ये जो बनेगा, ये बनेगा क्या? तो प्रतिस्थापन हो जाएगा, यानी कि ये OH जो है यहां पे अपना स्थान बदल लेगा और X जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि R के साथ OH जुट जाएगा और प्लस सोडियम के साथ X चला जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे थे कि अल्कोहल बनता है, ठीक है। अल्कोहल क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पे R से जुड़ा रहता है, यानी कि देखिए अब रहा बात की सर यहां पे अल्कोहल क्यों बोल रहे हैं, यहां पे आप हाइड्रोक्सिल क्यों बोल रहे हैं? तो जब OH किसी R से जुड़ता है तब उसका नाम अल्कोहल होता है, जब कोई OH R से जुड़ता है अल्कोहल कहलाता है, लेकिन कोई सोडियम से या पोटेशियम से इन सारे एलिमेंट से जुड़ते हैं तो हाइड्रोक्सिल कहलाते हैं। लेकिन अब हमें समझना यह है कि सर R का मतलब क्या है? तो R का मतलब कार्बन चेन, जो हम लोग पढ़े थे ना पीसी, कि पीसी लिया जाता है ऐसे वैसे, ऐसे वैसे मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन। तो R का मतलब यहां हुआ कि कोई भी कार्बन का चेन रहे उसके साथ X जुड़ा हुआ होना चाहिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो रूल बोल रहा है कि अल्कोहल का निर्माण होता है। जरा आप एग्जाम्पल करते हैं, अगर मान दिया जाए कि यहां पे कितना भी कार्बन का चेन दे दिया जाए, CH3 CH2 CH2, यहां पे Cl है, ये पहला एग्जांपल, यहां पे ऐसा है, क्यों? क्योंकि R का मतलब कार्बन का चेन और X का मतलब हेलोजन, और यहां पे जो हमेशा रहेगा वो हाइड्रोक्सिल समूह रहेगा, यानी कि NaOH। तब हम लोग का कैसा प्रोडक्ट बनेगा भाई? तो क्या करना है यहां पे, आपको याद रखना होगा कि ये चूंकि हाइड्रोक्सिल समूह है और ये R के साथ X जुड़ा हुआ है, तब क्या होता है? तो OH ट्रांसफर हो जाता है Cl के साथ, देख पा रहे होंगे, प्रतिस्थापन हो रहा है, अपना स्थान बदल ले रहा है, Cl के जगह पे OH चला जा रहा है और OH के जगह पे Cl चला जा रहा है। तो कुल मिला के प्रोडक्ट कैसा बनेगा? तो CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है, ये वाला OH आ गया और NaCl बाहर हो जाएगा, NaCl, समझ पा रहे ना? तो कुल मिलाकर हमें ऐसा ही प्रोडक्ट मिलेगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हाइड्रोक्सिल वाले में, ये हाइड्रोक्सिल वाले देखिए, अब कहने का मतलब है कि इन चीजों को रूल के नीचे एग्जांपल लिखिएगा, इन चीजों को जो है ना आपको प्रैक्टिस के साथ साथ याद रहना चाहिए ताकि
किस तरह के अभिक्रिया है, कहां पे प्रतिस्थापन होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा। इस बार CH3 C है, CH3 है और CH3 है, CH2 है, यहाँ पे F है। देख पा रहे होंगे ये कार्बन का चैन है भाई, R का मतलब कार्बन का हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसके साथ इस बार KOH ले लिया। तो अब आपको देना रिएक्शन को देखकर, देखिए अब ये जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे ना कार्बनिक रसायन, ये 90% लोगों को हार्ड लगता है। हार्ड क्यों लगता है पता है? क्योंकि रिएक्शन आते रहता है, हमेशा रिएक्शन भाई, एक से एक रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शन हो जाती है। अब उसको याद कर पाना, याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो धीरे 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 यही चीजें क्या हो जाती है, टफ बन जाती है। तो आप आज से उसको याद करो, आज से सीखो कि अच्छा ये रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं कैसे होगा भाई। तो ये R है और R के साथ X, क्योंकि फ्लोरीन X होता है, और कोई हाइड्रोक्सिल समूह OH जब जुड़ता है तो यहां पे तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। अगर आपको याद हो गया कि प्रतिस्थापन होता है तो OH और F का ट्रांसफरिंग हो जाएगा, मतलब CH3 CH3 बाकी सब का सब वैसे ही रहेगा और आपको यहां पे OH जोड़ देना है और K और F एक साथ बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से दो एग्जांपल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोक्सिल समूह का हम लोग कैसे करते हैं उसका प्रतिस्थापन, ठीक है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का पहला था जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा कर रहे थे। अब लिखा जाए दूसरा पॉइंट, हाइड्रोक्सिल का दूसरा पॉइंट लिखा जाए, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड से प्रतिस्थापन, पोटेशियम हाइड्रो सल्फाइड, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड का फार्मूला होता है KSH, के मतलब पोटेशियम, एस माने सल्फर, एच माने हाइड्रोजन। तो ये पूरा मिलके क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड यानी कि KSH से प्रतिस्थापन। दूसरा यानी कि अभी हम लोग पहला में प्रतिस्थापन किसके द्वारा देखे, हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा, यानी हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन कैसे करना है ये चीजें आपको आ गया। अब हम लोग दूसरा सीख रहे हैं कि पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड रहेगा यानी कि KSH रहेगा तो इससे प्रतिस्थापन कैसे होता है। फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, यदि एल्किल हैलाइड को पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो थायो एल्कोहल का निर्माण होता है। थायो एल्कोहल, देखिए इस तरीके से थायो एल्कोहल का निर्माण होता है। चलिए जरा देखते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ क्या रूल नियम होगा। तो सबसे पहले बोला इसके रूल के अंतर्गत, तो रूल में हम लोग सीखेंगे क्या रूल है। तो वही है रूल, अगर कोई भी चैन रहेगा RX, लेकिन इस बार जो हम लोग कराएंगे वो किसके साथ प्रतिस्थापन, तो KSH के साथ, देख पा रहे होंगे KSH। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो R का R रहेगा
और इसके साथ एस एच जुड़ जाएगा, यानी एस एच और एक्स का प्रतिस्थापन हो गया, यानी कि अदला बदली हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग दोस्तों थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल। ठीक है, क्यों? क्योंकि एस एच जुड़ गया ना, तो इसका नाम हो जाता है थायो अल्कोहल। तो हम समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई भी कार्बन का चयन हो, अगर उसके साथ एक्स जुड़ा रहे और यदि पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ भी अभिक्रिया कराया जाए, तब पर भी वो कैसा अभिक्रिया होगा? तो याद रखिएगा, तब पर भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा, क्योंकि ये चीजें जो है ना याद ही रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई मेथड इसका नहीं है। आप इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि अच्छा आप ऐसे याद कीजिए कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसके किसके साथ होता है, तो OH के साथ होता है, हाइड्रोक्सिल के साथ, फिर पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ यानी KSH के साथ भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। इसीलिए तो यहां पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुआ, तभी तो SH और X का अदला बदली हो गया। प्रतिस्थापन का मतलब क्या? अपना स्थान अदला बदली कर लेना, प्रतिस्थापन। जरा इसका एग्जांपल करते हैं। तो अगर मान लिया पहला एग्जांपल CH3 यहां पे ब्रोमीन प्लस KSH, तो क्या बनेगा? यहां पे देख पा रहे होंगे R कितना है, तो R ये हो गया R टोटल। यहां पे PC नहीं चुनना है, क्योंकि PC वहां चुना जाता है जहां पे IUPAC नाम लिखने वाला होता है। यहां तो R का मतलब टोटल कार्बन कितना है, तो R के जगह पे ये हुआ, इसके साथ X जुड़ रहा है, तो हम क्या बोले कि R का R पहले लिख लीजिए, यानी कि CH3 फिर SH, तो यहां SH प्लस KX, तो K तो बच रहा है, X की जगह पे क्या है Br, तो यहां KBr बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है वो दो सिचुएशन में हो सकता है, एक हाइड्रोसल्फाइड के हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा और एक पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ। चलिए तीसरा अब लिखेंगे, तीसरा, ये चूंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया में तो दो ही अभी लिखे ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसके किसके साथ होता है अभी हम लोग वही सीख रहे हैं। लिखा जाए अब तीसरा लिखेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ प्रतिस्थापन। अच्छा, इसका फार्मूला देख लीजिए, तो C2H5ONa फार्मूला होता है। अगर कोई पूछेगा कि सोडियम एल्कोक्साइड का फार्मूला कितना होता है, C2H5ONa ये फार्मूला होता है किसका, सोडियम एल्कोक्साइड का। ठीक है, अब के साथ प्रतिस्थापन, के साथ भी क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। तो अब हम लोग को देखिए समस्या बढ़ते जा रहा है। अब आपको याद रखना चाहिए कि प्रतिस्थापन कहां कहां बनता है भाई, हाइड्रोक्सिल में बनता है, दूसरी बात पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड में बनता है, और तीसरी बात अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड में बनता है। सोडियम एल्कोक्साइड का फार्मूला C2H5ONa, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे कि सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कैसे प्रतिस्थापन होता है। तो फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, लिखा जाए जब जब
एल्किल हैलाइड को जब एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जब एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड, याद रखिएगा फार्मूला होता है C2H5ONa, ये सोडियम एल्कोक्साइड का फार्मूला है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े ना पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड का फार्मूला KSH होता है, उसी तरीके से इसका भी फार्मूला होता है सोडियम एल्कोक्साइड का। क्या लिखे इसके नीचे एरो देकर, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो ईथर का निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है तो इसका रूल पहले लिखेंगे कि रूल कैसा बोल रहे हैं। सबसे पहला कि कार्बन का चयन होना चाहिए R X, यही हो गया एल्किल हैलाइड, इसको क्या बोलेंगे एल्किल हैलाइड। इसको किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ C2H5ONa के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो कैसा बनेगा, तो इथर बनता है। और इथर के बारे में आपको जानना चाहिए कि यहां वाला जो R है वो R रहेगा और बीच में ऑक्सीजन और एक तरफ C2H5 ये वाला और प्लस सोडियम और यहां वाला जो X है। अब देख पा रहे हैं हो क्या रहा है कि यहां से जो C2H5O है ये X के साथ ट्रांसफरिंग हो जा रहा है, X इसके जगह पे चला जा रहा है और ये C2H5 यहां से हट के सोडियम का साथ छोड़ रहा है और R का साथ पकड़ रहा है। तो प्रतिस्थापन का तो मतलब यही सीखे हम लोग कि जब एक स्थान से अदला बदली हो जाए तब हम लोग उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफरिंग कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, यानी कि यहां भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। अब इसी को हम लोग बोल देते हैं, नाम भले हो जा रहा है इथर तो थायोसल्फेट तो कुछ भी तो, लेकिन हम लोगों का जो है ना कभी काम चेंज नहीं हो रहा है और हम लोगों को काम पे भरोसा करना चाहिए, काम सीखना चाहिए, नाम पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि हम लोगों का जो रिएक्शन है वो ऐसे याद रखना चाहिए कि प्रतिस्थापन कहां बनता है हाइड्रोक्सिल में, प्रतिस्थापन कहां बनता है पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड में, और कहां बनता है तो सोडियम एल्कोक्साइड में, और उसका फार्मूला C2H5ONO होता है। जरा इस पे एग्जांपल कर लेते हैं, अगर मान लिया ऐसे क्वेश्चन रहेगा CH3CH2Cl या Br या फिर आयोडो रहेगा आयोडीन, तो RX तो हो गया ना, R का मतलब हाइड्रोकार्बन और X का मतलब हैलोजन। अगर इसको सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करेंगे तो ये क्या बनाएगा, तो आप देख पा रहे होंगे रूल्स में कि R का वैल्यू तो यही है ना CH3CH2OC2H5 प्लस NaI सोडियम आयोडाइड बन जाएगा और इसको हम लोग इथर बोलेंगे, ठीक है। तो आप जो है हर बार आप रूल्स पहले एरो देकर जो बात लिखवा रहे उसको लिखिए, उसके नीचे आप रूल्स को लिखिए और रूल्स के नीचे इस एग्जांपल को लिखिए ताकि आपको कभी भी आप कॉपी देखें कॉपी पलटे तो ये पता चल जाए कि हाँ हम लोगों ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया को इतने टाइप्स में पढ़ा था और फिर आपको चीजें याद रह जाएंगी, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है,
नेक्स्ट एमिनो मूलक द्वारा प्रतिस्थापन, ये तीसरा है ना, चौथा में क्या लिखेंगे, एमिनो, एमिनो का फार्मूला क्या, NH3, एमिनो मूलक द्वारा प्रतिस्थापन। देखिए प्रतिस्थापन में ही अभी हम लोग चल रहे हैं, ये चौथा पॉइंट है जिसका नाम है एमिनो मूलक द्वारा प्रतिस्थापन, यानी कि एमिनो का मतलब क्या, एमीन, जिसका फार्मूला NH3 होता है। लिखेंगे फर्स्ट एरो देकर, जब एल्किल हैलाइड को एमीन या एमिनो के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो एल्किल एमीन का निर्माण होता है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि एमीन मूलक द्वारा कैसे प्रतिस्थापन होता है। तो सबसे पहले इसके नीचे भी हम लोग कुछ रूल्स नियम को देखेंगे और फिर अप्लाई करेंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले एमिनो का मतलब क्या, एमीन, जिसका फार्मूला याद रहना चाहिए NH3 होता है, ठीक है। अब इसके द्वारा जो प्रतिस्थापन होगा उसका जरा रूल्स देख लेते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब RX होना चाहिए, उसके साथ क्या जुड़ना चाहिए, तो NH3, ठीक है। अब ये जब जुड़ता है तो यहां से प्रतिस्थापन कैसे होता है, तो यहां से चूंकि हाइड्रोजन कितना है इसका, 3 हाइड्रोजन है, तो NH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, NH3 वैसे लिखे चाहे ऐसे लिखे बात बराबर है, तो यहां से ऐसे लिख दिया, ऐसा लिख इसलिए रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि यहां से 3 हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन हैलोजन के साथ प्रतिस्थापित हो जाता है, समझ में आ रहा है, यानी कि यहां पे यहां पे NH2 का प्रतिस्थापित होता है, ये चीज। अब जाकर सही हुआ, यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई एल्किल हैलाइड है, अगर उसको एमिनो के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यहां से NH2 X के जगह पे आता है और X यहां पे चला जाता है, यानी कि R के साथ जुड़ जाएगा NH2, ये प्रतिस्थापित हो जाता है, X यहां चल जाएगा तो बचेगा HX, ठीक है। इसी को बोलते हैं एल्किल एमीन। जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लिया CH3 CH2 यहां पर रहेगा Br, ठीक है। अब इसके साथ हमें NH3 का रिएक्शन कराना है एमीन के साथ, तो आपको पता हो गया कि एमीन के साथ भी क्या होता है, हमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। तो यहां पे किसके साथ प्रतिस्थापन होता है, रूल याद रहने चाहिए, NH2 का होता है प्रतिस्थापन, तो यहां से NH2 Br के साथ अदला बदली होगा, बाकी R का R वैसे ही रहेगा CH3 CH2, और इस Br के साथ NH2 का अदला बदली होगा, मतलब NH2, और फिर बाकी क्या बच जाएगा, तो HBr। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि ये होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया,
किसके द्वारा? एमिनो के द्वारा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ प्रतिस्थापन अभिक्रिया किए, अब हम लोग अगले की क्लास में आगे कुछ सीखेंगे। तो आप इन जो अभिक्रिया स्टार्ट हुआ है आज से, उन चीजों को अच्छे से नोट डाउन कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, और कोई रूल्स नियम नहीं है, उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी वो चीजें याद रह पाएगी कि किस किस के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। जैसा कि अभी हम लोग सीखे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसके साथ होता है, तो एमिनो के साथ होता है, जैसा कि अभी सीखे। फिर उसके पहले सीखे कि पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ होता है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होता है, हाइड्रोक्सिल द्वारा होता है, हाइड्रोक्सिल बोले तो OH, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड बोले तो KSH, सोडियम एल्कोक्साइड बोले तो C2H5ONa, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में, अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।